Can I ask you one thing? Yeah. Do you know the meaning of Kashmir? Yes. What do you have a narrative? No, I don't have a narrative. I just want to know you. Like, do you know the meaning of Kashmir? The word Kashmir. क्या मतलब ऋषि कश्यप की जो जन्मभूमि है वो है कश्मीर. मोदी के बेटे, मैं मोदी का बेटा हूँ ही नहीं. हार्दिक सिंह भी राजपूत है, राजपूत है, मोदी के बेटे नहीं है. हम गुजरात से नहीं है. मैं बताता हूँ कश्मीर का मतलब, बताता हूँ कश्मीर का मतलब. पता है आपको कश्मीर का मतलब? पता है, मैं अकेला काफी हूँ बताने के लिए कश्मीर का. व्हाई आर यू, मैं आप देखो क्यों पकड़ रहे हो आप, नहीं आप कश्मीर का मतलब पता करके आओ पहले. कश्मीर का मतलब बट कुछ और ही हो गया वहां पे मेरे साथ. तो मैं वहां पे रिसेंटली मैं जा रहा था, चुपचाप जा रहा था पीसफुली. मैं आराम से रास्ते में जा रहा हूँ, उबर ईट्स कर रहा हूँ मस्त. वहां पे मैं क्या देखता हूँ, वहां पे देखता हूँ बैनर लगे हुए हैं, लोग वहां पे चिल्ला चिल्ला के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं हमारे देश को लेके, मतलब स्पेशली इंडिया को लेके. इंडिया से तो नहीं थे वो, पाकिस्तानी थे, इंडिया को लेके गाली निकाल रहे थे. और एक सपोज जिसको इंडिया में टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है उसको, वो उसके लिए आज़ादी की मांग कर रहे थे इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर. ये हो रहा था और मैं वहीं से गुजर रहा था, तो मैंने देखा भाई वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा कि कश्मीर वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ इंडिया. अब भाई हम ठहरे, समझ पता ही है तुम्हें, इंडियन. हाँ ऑब्वियसली मैं इंडियन ही हूँ. तो मैंने एक बंदे को पकड़ा और मैंने पूछ लिया भाई कि कश्मीर का मतलब क्या है, तू बता भाई, तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो कश्मीर के बारे में और इंडिया को गाली दे रहे हो, मतलब बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे वो. उन्होंने मेरे को भी काफ़ी दी, उनको मेरे को मारने की कोशिश करी, बहुत कुछ हुआ. बट मैं ज़्यादा कुछ तुम्हारा टाइम नहीं लूँगा, तुम सीधे ये वीडियो देखो. ये क्या चल रहा है प्रोटेस्ट, कुर्ता पजामा पहन के? ये बकचोदी चल रही है. ओ भाई बकचोदी, भाई ये चूतिया लोग हैं. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 भाई कुछ 30-40 लोग खड़े हैं. खत्म हो गया इनका. We want justice. He is in jail right now. Can I ask you one thing? Yeah. Do you know the meaning of Kashmir? Yes. What do you have a narrative? No, I don't have a narrative. I just want to know you. Like, do you know the meaning of Kashmir? The word Kashmir. Why you ask? No, because you said like someone was this guy was. Kashmir is a place where Indians have captured. Like you guys are. That guy. What's your name? Yes, we know. What is the meaning of Kashmir? What do you mean by the meaning of Kashmir? Word. Like your Modi is bastard. No, I'm. Modi is bastard. I don't want to abuse anyone, but you have. No, I just have a. Kashmir. What do you mean? Do you know Canada? Do you know the meaning of Pakistan, right? You know, Pak Zameen? Yeah. So I just want to know the meaning of Kashmir, word. Whatever is the meaning, but you guys have captured it. I'm not captured. I'm in Canada. Mr. Modi or whatever. Mr. Modi was not born in 1947, right? He was not born in 1947. Yeah, but whenever. But I just want to know the meaning of. He wants to know the meaning of Mr. Hardik. Yeah, I just want to know the meaning of Kashmir because you said. Like some was holding the banner, उन्होंने लिखा था कि कश्मीर इंडिया का ही पार्ट नहीं था. मैं मोदी वाला नहीं हूँ, मैं मोदी वाला नहीं हूँ. हाँ मैं बताता हूँ, मैं गूगल के बिना बताता हूँ. ये रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? बेटा 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 गो गूगल. मैं आपको कश्मीर का मतलब बताता हूँ. ओके गो गो गो. सो फॉर ऑल ऑफ यू हु डोंट नो द मीनिंग, मैं बता रहा हूँ. चल लेट मी हेल्प यू आउट.
गो, लेट मी पुश यू। एक सेकंड, आप जिन सबको कश्मीर का मतलब नहीं पता, कश्मीर मैं सिखाता हूं तुझे। एक जमीन थी, मैं बताता हूं। अरे चला मैं सिखाता हूं, मैं बताता हूं कश्मीर का मतलब बताऊं आपको? महाराणा, हां सब छोड़ो, क्या मतलब? ऋषि कश्यप की जो जन्मभूमि है वो है कश्मीर। मोदी के बेटे, मैं मोदी का बेटा हूं ही नहीं, राजपूत है, राजपूत है, मोदी के बेटे नहीं है, हम गुजरात से नहीं है। मैं बताता हूँ कश्मीर का मतलब, बताता हूँ कश्मीर का मतलब, पता है आपको कश्मीर का मतलब? पता है, मैं अकेला काफी हूँ बताने के लिए कश्मीर का। व्हाई आर यू, मैं आप देखो क्यों पकड़ रहे हो आप, नहीं आप कश्मीर का मतलब पता पता करके आओ पहले। कश्मीर का मतलब क्या है? आई एम नॉट डिलीवरिंग राइट नाउ। ओके सो गाइस, चला जा। ओके ओके, सो आप देख सकते हो किसी, ये एक बंदे थे वो जिन्होंने यहाँ पे मारा। सो दे वर, इनसे सच नहीं देखा जाता भाई। इंडिया से ना, इंडिया से ना। अबे कश्मीर का मतलब एक सेकंड, आपने मेरे, उन्होंने किसने मेरे सर पे मारा? उन्होंने मेरे सर पे मारा। आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। डू यू नो द मीनिंग ऑफ कश्मीर? यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ कश्मीर एंड यू आर फाइटिंग फॉर कश्मीर। इतने सबके लिए अकेले में काफी, जिसने मेरे मारा ना, आई हैव ये रिकॉर्डिंग में है, ये रिकॉर्डिंग में है भाई, सुनना ही नहीं है डिलीवरी बॉय भाई। हाँ अच्छी बात है भाई, लगे हुए हैं। हाँ आपने भी देखो, ओके आई हैव दैट ऑन रिकॉर्डिंग, मैंने कैमरे में देख लिया भाई। तुम कर रहे हो भाई, देखो मैं तो उनसे मतलब पूछ रहा था, वो ही ऑफेंड होगा यार। क्यों वो आ रही है पुलिस? उन्होंने मारा क्यों? उन्होंने मारा मेरे। चलो 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 चलो, मैंने पर उनको मारा नहीं ना, उन्होंने देखो अपना करने दैट ऑन कैमरा। मैंने एक चीज उनको वहां पे बोल के आया था, तुम 30 किलो अकेला ही काफी हूँ, अकेला शेर काफी है। मैंने देखो भाई, हमेशा से मैं ये बोलता हूँ, पाकिस्तानी लोग अच्छे भी हैं जो मेरे को यहाँ मिले हैं, बट यू नो यू मतलब यू सी दिस पीपल, तुम देखते हो उनको और तुम्हें ये नज़र आता है कि भाई ये कैसे गंदी सी, मतलब कैसी गंदगी फैला रहे हैं यहाँ पे, एंड यू नो अननेसेसरी चीज़ें कर रहे हैं। 30 लोग इकट्ठा होके जिसका कोई तुक नहीं बनता, मतलब जैसे जो जिसकी तहजीब, जो जिसको तालीम दी गई है वो उस हिसाब से ही बर्ताव करेगा। तो शायद उनकी तालीम तहजीब यही हुई है कि दूसरों को, बच्चे को गाली देनी है। अपने उम्र, अपने मतलब वो मेरे पापा की एज से भी ज़्यादा होंगे आई गेस, वो बुढ़े ही थे, तो बुढ़े लोगों का दिमाग सटिया जाता है। मैंने सुना ही था पर आज देख लिया, एंड मेरे को इससे ये वीडियो याद आई जो मॉन्ट्रियल में एक बंदे ने बोला था कि कश्मीर तो हमारा है, या POK की बारी है, बाकी तुम समझदार हो। जय हिंद। 1947 से पहले कोई पाकिस्तान नाम नहीं था भाई। और एक चीज़ और बता दूँ जाते जाते, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अल्लामा इकबाल ने लिखा था। तो यार दैट्स प्रीटी मच इट गाइस, आई होप यू लाइक इट। लाइक इट तो पता नहीं, बट अकेले एक शेर से ना 30 गीदड़ कैसे हार मान गए, ये तुम देख सकते हो। सो यार दैट्स प्रीटी मच इट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, पीस आउट। और सपने देखो, सपने जरूर पूरे होते हैं।